नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको मनोज और शीतल की अनकही प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मनोज अपने परिवार का एक लौता बेटा है। उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम चुटकी है। मनोज और चुटकी दोनों शहर के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं और उनके पिता और माता शहर में रहते हैं। शहर मनोज के गांव से ज्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए मनोज की माँ और पिता दोनों शहर में नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में गार्ड का काम करते हैं और माँ एक छोटे से स्कूल में साफ सफाई का काम करती है। मनोज और उसकी छोटी बहन चुटकी घर पर रहते हैं। मनोज की बहन अभी स्कूल जाती है। मनोज ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहां उसके सामने कई सवाल हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करे। मनोज के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता है। यहां हर कोई एक दूसरे की अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। मनोज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं थोड़े खुले हुए। मनोज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्द ही थोड़ा काम घर का काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता है, तो अक्सर वो फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर के लिए फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी मनोज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उठकर वो नीचे देखता है तो ऑटो वाले के साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा है शीतल को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वालों के पैसों को लेकर बहस कर रही हैं। सुबह के गर्मियों का समय है। शीतल बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूर्य की रोशनी आ रही है। यह देखकर मनोज सूर्य और शीतल के बीच में आ जाता है। अचानक से शीतल पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है मनोज की ओर। यह पहली बार था जब मनोज और शीतल ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र सब जो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे मनोज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। शीतल के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। मनोज की नजर अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाजा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नजरें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन मनोज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर। उसने देखा कि शीतल खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। मनोज अब हिम्मत करके शीतल की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मनोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। शीतल एक दिन मनोज की छोटी बहन से बात कर रही होती है, तो हिम्मत करके मनोज भी उससे बात कर ही लेता है। मनोज और शीतल में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। मनोज को पता चलता है कि शीतल पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। मनोज उसे सिखाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़की से बात भी नहीं करने देती और पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। मनोज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहाँ मनोज की बहन भी होंगी। शीतल थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी मनोज के साथ साथ समय बिताना चाहती है। शीतल की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती हैं, तब शीतल सूर्य के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।
मनोज के घर में पीछे सीढ़ियां चढ़ते समय शीतल के पैरों में मोच आ जाती है और वह चल भी नहीं पाती है। शीतल वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मनोज उसे दर्द और वहां बैठ देखकर कमरे के बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। शीतल चल नहीं पाती है तो मनोज उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। मनोज हाथ पकड़े शीतल को लेकर आता है। उसी समय शीतल की मम्मी वहां आ जाती हैं और मनोज और शीतल को ऐसे एक साथ देख लेती हैं। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, शीतल। फिर उन्हें कुछ समय बाद शीतल का पैर दिखाई दिया। उन्होंने मनोज के हाथ को हटाकर शीतल को पकड़ा और उसे ले गई। मनोज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता है, यह सोच रहा है कि शीतल का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने शीतल को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होते ही और मनोज देखता है कि शीतल और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। मनोज और शीतल की आंखों में कुछ बातें होती हैं और शीतल वहां से चली जाती है। मनोज को यकीन था कि वह शीतल को एक दिन फिर से जरूर देखेगा। उसको शीतल का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि शीतल फिर से आएगी। इंतजार में करीब एक साल बीत जाता है और मनोज की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगती हैं। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका मनोज को इंतजार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर शीतल दिखाई देती है। उसे बहुत खुशी होती है। शीतल अभी उसकी ओर नहीं देख रही है, वो किचन में अपना काम कर रही है। शीतल की मम्मी बाहर आती हैं। कोई उन्हें बधाई दे रहा था शीतल की शादी की, क्योंकि शीतल की शादी हो चुकी थी। किचन में ही शीतल का पति भी मनोज को दिखाई देता है। देखने में शीतल भी खुश लग रही थी। मनोज को एक पल के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे शीतल की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से शीतल की नजर मनोज पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। लेकिन शीतल अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि शीतल मनोज से मन ही मन प्यार करती है। लेकिन मनोज और शीतल का ये प्यार आगे बढ़ता ही कि इसके पहले शीतल की माँ ने मनोज और शीतल को एक साथ देखकर गुस्से में आकर शीतल की शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। और शीतल अपनी माँ से बहुत डरती थी, इसलिए वह चुप रही और वह अपनी माँ के पसंद के लड़के से ही शादी कर ली। और यहाँ मनोज शीतल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा से शीतल का इंतजार कर रहा था। और वो दिन आ ही गया जब उसकी इंतजार खत्म हो गई। लेकिन ये उनकी बदनसीबी है जो शीतल और मनोज एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद एक साथ नहीं है। लेकिन फिर भी मनोज ये सोचकर खुश है कि उसकी शीतल खुश है, क्योंकि मनोज शीतल से सच्चा प्यार करता है। और जो सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा एक दूसरे की खुशी चाहते हैं और उनकी खुशी में ही खुश रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।